जन सुरकार मंच के तत्वाधान में आयोजित इस कविता पाठ में मैं सुमंगल सिंह फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आपने पहले भी मेरी कविताएं सुनी हैं। आशा करता हूं कि आज जो मैं कविताएं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूं आप लोगों को पसंद आएगी। कविताएं कुछ गंभीर हैं, लेकिन यदि आप शब्दों को पर ध्यान देंगे तो कविताएं अपने आप समझ में आ जाएगी। आशा करता हूं कि मेरी कविताएं आप लोगों को पसंद आएगी। अपनी कविताओं को प्रस्तुत करने के पूर्व मैं इसके सूत्रधार जन सुरकार मंच के सूत्रधार भाई देवेंद्र जोशी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, इन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है। तो लीजिए मैं प्रस्तुत है मेरी पहली कविता ठूठ पेड़ की व्यथा कथा। वह ठूठ पेड़ एकांत में खड़ा है, वह ठूठ पेड़ एकांत में खड़ा है किसी दुखांत नाटक की तरह। अपने इस वर्तमान दशा पर अब बहुत ही दुखी हो गया है, किंतु उसे थोड़ी बहुत तसल्ली मिल जाए करती अपने बीते हुए दिनों को याद करते हुए। उस ठूठ पेड़ को थोड़ी बहुत तसल्ली मिल जाए करती अपने बीते हुए दिनों को याद करते हुए। वह ठूठ पेड़ कभी छोटे से बीज से निकलकर नन्हा प्यारा सा पौधा था। उसके सुकोमल पत्ते और शाखाएं समय की धारा में बहते बहते बड़े होते गए। उसने देखा है मानव सभ्यता के बदलते स्वरूप को इस काल चक्र में घूमते घूमते अब वह बूढ़ा और जर्जर हो गया है उस ठूठ पेड़ ने कभी उस ठूठ पेड़ के भी कभी सुहाने दिन थे। कभी वह सावन की घटाओं को देखकर हर से झूम उठता था लेकिन तेज आंधियों से प्रायः वह डर जाया करता था। आसमान के उगने वाले सूरज को देखकर वह झूम उठता था, किंतु अब वह अपने वर्तमान दशा पर कितना निसहाय और लाचार हो गया है उसके जीवन काल में कभी कितने अच्छे दिन थे। वह शंख हरी भरी पत्तियों से आच्छादित होकर धरती पर हरियाली बिखेरता, फलों से लद जाया करता, अपने सौभाग्य पर हिलाता। उस ठूठ पेड़ के लिए कभी ऐसे भी दिन थे जब वह मीठे मीठे फलों से लद जाया करता, और जब कभी पक्षी और मनुष्य उसके मीठे फलों का रसास्वादन करते, गर्मी की दोपहरी में उसकी छाया में विश्राम करते, तब वह अपने आप को कितना सार्थक समझता। उस ठूठ पेड़ ने देखा है अपने अपने मित्र पेड़ों को उजड़ते हुए वे अब धारदार हथियार से काट दिए गए अथवा तेज आंधियों से धराशाही हो गए अपने मित्र पेड़ों का दुख को उसने देखा है उस ठूठ पेड़ ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह अकेला हो जाएगा अब वह उसकी सुखी और झरझर डालियां धराशाही हो जाना चाहती हैं इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए
इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए। लीजिए मेरी अगली कविता है शब्द गाथा। शब्दों के विषय में एक बहुत शोधपूर्ण कविता है। शब्द की सार्थकता, शब्द की उपयुक्तता मानव सभ्यता के विकास में कितना सर्वोच्च रहा है, कितनी उसकी अहम भूमिका रही है, इसी भाव भूमि पर यह कविता प्रस्तुत है। शब्द गाथा। इस दुनिया में ध्वनि के रूप में, लिपि के रूप में कब अवतरित हुए थे शब्द? यह प्रमाणित करना असंभव नहीं लगता, लेकिन इस काल चक्र से अपराजित होकर युगों युगों तक तमाम शब्दों की प्रासंगिकता बनी हुई है, अटल चट्टान की तरह। जब तक रहेगा इस पृथ्वी का अस्तित्व, तब तक सार्थक होते रहेंगे दुनिया भर के शब्द, इतिहास के पन्नों में सिमट गए, कालचक्र के गर्त में समाहित हो गए दुनिया भर के असंख्य राजवंश। किंतु शब्द अपनी उत्पत्ति से लेकर आज तक, इस बीच मालूम नहीं कितनी भी सदियां गुजर गई, लेकिन सब आज भी और आगे भी खड़े हैं ज्यों के त्यों। दुनिया भर के तमाम दार्शनिकों, महाकवियों, विभिन्न विषयों के विचारकों के लिखित ग्रंथों की मूल उद्भावना शब्दों के माध्यम से, ज्ञान का प्रकाश बिखेर रहे हैं, युगों युगों से समाज का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यह दुनिया विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है इन हमारे आदि मानव शब्दों को नहीं गढ़े होते किंतु हमारे आदि मानव शब्दों को नहीं गढ़े होते विभिन्न प्रकार के लिपियों का निर्माण नहीं किए होते तो हम लोग आज भी आदि मानव की तरह ही होते दुनिया भर के शब्दकोश में सभी प्रकार के शब्द हैं वे फूल भी हैं, सूल भी हैं, कोमल भी हैं, कठोर भी हैं। जिस रूप में आप शब्दों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उसी तरह के बन जाते हैं शब्द, उसी तरह के शब्द आपकी जुबान पर उतर आते हैं, लीजिए मेरी अगली कविता है अधूरे सच। एक बहुत ही भावपूर्ण कविता मैंने बड़ी ही गहराई से उतरकर इस कविता को लिखा है। आशा करता हूं कि ये कविता आप लोगों को पसंद आएगी। शीर्षक है अधूरे सच। वर्तमान के अधूरे सच को जानकर आपके आस्था और विश्वास के तार झंकृत होते होते टूट जाएंगे। कुछ लोग सच को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं गेंद की तरह उछाल रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं। यहाँ सच के नाम पर असत्य का व्यापार है कुछ लोग बीच बाजार में
वर्तमान के सच पर गवाही दे रहे थे। कुछ लोग बीच बाजार में वर्तमान के सच पर गवाही दे रहे थे, वही लोग उसे विवादों में उलझा रहे थे, वही लोग उसे विवादों में उलझा रहे थे। कुछ लोग सच को भ्रमजाल में फंसाकर पिंजरे में बंद कर दिए थे, कुछ लोग सच को भ्रमजाल में फंसाकर पिंजरे में बंद कर दिए, वही लोग सच को तोता बनाकर उसे संवाद करते रहे, सच की सरेआम हत्या कर दी गई, उसकी आत्मा जन जन के दिलो दिमाग से निकलकर बैठ गई किसी एकांत में। मैंने एक रात सपने में देखा सच को, जो अपने पराजय के महात्रास्ती से गूंगा और बहरा हो गया था, अब तो अधूरे सच भी काल्पनिक हो गए, मिथक बनकर रह गए। फिर भी कुछ लोग रात के अंधेरे में दिन के उजाले में भी लालटेन लिए सच को खोज रहे हैं, हमें किस शब्दकोश में मिलेंगे ऐसे सब, जो अधूरे सच को भी जन जन तक पहुंचा सके, सच के उजाले बन सके। शायद नहीं मिल पाएंगे ऐसे शब्द, रह जाएगी एक अधूरी कविता, मेरी अगली कविता है, लिखोगे किस तरह से मुखौटे लगाए लोग समाज को भ्रमित करते हैं, इन्हीं भावनाओं को लेकर एक कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मुखौटे, लोगों ने पहन लिए हैं विभिन्न विचारधारा के लिए तयशुदा रंगों के निर्मित मुखौटे। ये बच्चों के खेलने वाले साधारण मुखौटे नहीं है, विचारधारा के बाजार से अपने अपने पसंद से खरीदे गए हैं। जो व्यक्ति जिस रंग के मुखौटे पहन लेते हैं बदल जाती है उनकी आत्मा और दिलो दिमाग। उनके प्रभाव मंडल में फंसकर उनका ही गुणगान करते हैं, दूसरों को नकार देते हैं, उसके प्रति नफरत से उनके विचार उनकी वाणी के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। दुनिया के इतिहास में मुखौटों का प्रभाव सर्वत्र दिखाई देता है इन्हीं विचारधारा आपस में टकराहट में दुनिया का इतिहास युद्धों से भरा पड़ा है। ये मुखौटे राष्ट्रवादी, समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा के विभिन्न प्रकार के रंगों से निर्मित है। ये मुखौटे राष्ट्रवादी, समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा के विभिन्न प्रकार के रंगों से निर्मित है। उसी का गुणगान करते हैं। यह मायावी मुखौटे सिर पर चढ़कर बोलते हैं हे मुखौटे पहने लोग तुम्हें नमन है, उसके प्रभाव मंडल से बदल गई तुम्हारी आत्मा, दूसरे प्रकार के मुखौटे पहने लोगों के प्रति
नफरत ही नफरत है, नफरत ही नफरत। मेरी अगली कविता है हमारे संबंधों को लेकर, हमारे समाज में किस तरह की टूटन हो रही है, एक रास्ते के रूप में हम देखते हैं, और इन्हीं जो दीवारें टूट रही हैं हमारे रिश्तों की, उन्हीं को लेकर, उसी पर केंद्रित एक कविता मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो रिश्तों की दीवारें अब टूटने लगी हैं, रिश्तों की दीवारें अब टूटने लगी हैं, इन्हें टूटने से बचाए रखिए। रिश्तों की दीवारें अब टूटने लगी है, इसे टूटने से बचाए रखिए। उजड़ रहे घर हम यहाँ सभी के, उजड़ रहे घर हम यहाँ सभी के, इसे उजड़ने से बचाए रखिए, इसे उजड़ने से बचाए रखिए। अब हमारे हंसते खेलते घरों से उठ रही सिसकियों को रुकते रहिए। अब हमारे घरों से हंसते खेलते घरों से उठ रही सिसकियों को रोकते रखिए। ईंट में लगे सीमेंट की तरह, ईंट में लगे सीमेंट की तरह आपसी रिश्तों को जोड़ते रहिए, आपसी रिश्तों को जोड़ते रहिए। विलोम अर्थ। अब यहां पर विश्वास के विलोम अर्थ सच मानिए तेजी से फलने फूलने लगे हैं। अब यहां पर विश्वास के विलोम अर्थ सच मानिए तेजी से फलने फूलने लगे हैं। दाग लगे चेहरे वालों लोगों के साथ, दाग लगे चेहरे वाले लोगों के साथ, सौदागरों के सौदे, सौदागरों के सौदे तेजी से होने लगे हैं। तेज आंधियों से गरीबों के घर उजड़ गए, तेज आंधियों से गरीबों के घर उजड़ गए। उनकी हथेलियां आसमान को छूने लगी हैं, उनकी हथेलियां आसमान को छूने लगी हैं। मैं अपने गांव को ढूंढता ही रह गया, मैं अपने गांव को ढूंढता ही रह गया। मेरा गांव भी, मेरा गांव महानगरों की भीड़ में खो गया, मेरा गांव महानगरों की भीड़ में खो गया। प्रवचन के शब्द अर्थहीन होते चले गए, प्रवचन के शब्द अर्थहीन होते चले गए। वे अपने विलोम शब्दों के भीड़ में खो गए, वे अपने विलोम शब्दों के भीड़ में खो गए, वे अपने विलोम शब्दों के भीड़ में खो गए। एक और महत्वपूर्ण कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हमारे घरों में हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार होता है, उनकी क्या त्रासदी है, एक बहुत ही यथार्थवादी कविता मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, सुनिएगा। शीर्षक है तमाम उम्र। तमाम उम्र गुजार दिए बच्चों की खुशियों के लिए, तमाम उम्र गुजार दिए बच्चों की खुशियों के लिए। सपने सजोए थे बुढ़ापे में सुख शांति से दिन कट जाएंगे, सपने सजोए थे बुढ़ापे में सुख शांति से दिन कट जाएंगे। अपने हाथों से ईंट जोड़कर, अपने हाथों से ईंट जोड़कर बनाए घर पराए हो गए, अपने हाथों से ईंट जोड़कर बनाए घर पराए हो गए। वे जीवन के अंतिम पड़ाव पर, वे अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर वृद्धाश्रम के शरण में पड़े हैं, वे अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर वृद्धाश्रम के शरण में पड़े हैं। बुजुर्गों की बद्दुआएं जब लगेंगी फिर भी फिर रो रो कर पछताओगे, ये मत भूल जाओ, ये मत भूल जाओ कि एक दिन तुम भी अपने बुजुर्गों की श्रेणी में आ जाओगे, बुजुर्गों की श्रेणी में आ जाओगे। लीजिए मेरी अगली कविता है नसीहत। नसीहत जो दिया है हमारे बुजुर्गों ने,
नसीहत जो दिया है हमारे बुजुर्गों ने, उस पर चलने की कोशिश करते रहिए। नसीहत जो दिया है हमारे बुजुर्गों ने, उस पर चलने की कोशिश करते रहिए। इस सूखे रूखे सूखे गर्म मौसम में भी, इस रूखे सूखे गर्म मौसम में भी ठंडेपन का मधुर एहसास करते रहिए, ठंडेपन का मधुर एहसास करते रहिए कि नफरत की आग में जलने से बेहतर है, नफरत की आग में जलने से बेहतर है कि प्यार की बारिश हरदम करते रहिए, प्यार की बारिश हरदम करते रहिए। सही सलामत रह सके हमारी यह दुनिया, सही सलामत रह सके हमारी यह दुनिया, इसलिए इंसानियत के झंडे, इसलिए इंसानियत के झंडे हमेशा उठाए रखिए, हमेशा उठाए रखिए। मेरी अगली कविता है, पता नहीं चला समय की धारा में कितना परिवर्तन हो जाता है, इसी बात को लेकर कितना बदलाव आता है, इसी बात को लेकर मेरी कविता प्रस्तुत है, पता नहीं चला। न जाने कब इन बागों में तरह तरह के फूल खिले थे, न जाने कब इन बागों में तरह तरह के फूल खिले थे, जो धरती पर सिंगार रचाए अब क्यों मुरझा गए पता नहीं चला। न जाने कब इस धरती पर हरियाली उमड़ पड़ी थी, न जाने कब इस धरती पर हरियाली उमड़ पड़ी थी, कब पतझड़ के मौसम भी दस्तक देकर चले गए पता नहीं चला। कब गर्मी आई, कब गर्मी और सूखे मौसम में अपने रौद्र रूप दिखलाए, न जाने कब बादलों ने इस धरती पर जल बरसाए पता नहीं चला। न जाने कब हम लोग यहाँ, न जाने कब हम लोग यहाँ नव शिशु से बच्चे होते हुए, न जाने कब हम लोग यहाँ नौ शिशु से बच्चे होते हुए, कब युवा से पौड़ हो गए एकाएक बुढ़ापा आ गया पता नहीं चला, एकाएक बुढ़ापा आ गया पता नहीं चला। इसी क्रम में मेरी अगली कविता है, विचारधारा। मेरी अगली कविता है विचारधारा, बहुत ही विचारधारा का विश्लेषण और विचारधारा के कारण दुनिया में नफरत फैली है और इसका गवाह इतिहास है, इसी बात को लेकर मैंने विश्व बंधुत्व को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कविता लिखी है। विचारधारा किस तरह से हमें बांटती है, हम सबके अंदर नफरत पैदा करती है, इस पर एक बहुत बेबाकी कविता है विचारधारा। विचारधारा को लेकर विमर्श करते समय यह दृष्टांत सटीक और सार्थक लगता है, जिसमें बहुत से अंधे लोग हाथी के जिस अंग को स्पर्श करते हैं उसे ही हाथी का स्वरूप मान लेते हैं। वे अंधे लोग हाथी के विषय में जब चर्चा करते हैं, उसके रूप आकार को लेकर एकमत नहीं होते, ठीक यही बात विचारधारा को लेकर लागू होती है, आखिर क्यों दुनिया भर में विचारधारा को लेकर सदियों से लेकर आज तक नफरत की खाई खोदी जा रही है, जो गहरी और चौड़ी होती गई। वे लोग विचारधारा को लेकर इतने अधिक आत्ममुक्त होते गए कि दूसरी विचारधारा के नाम सुनते ही उनके जुबान से नफरत की ज्वालामुखी फूट पड़ती है। वे लोग
अपने अपनाए गए विचारधारा को ही सही और सार्थक प्रमाणित करने के लिए वे लोग अपने अपनाए गए विचारधारा को ही सही और सार्थक प्रमाणित करने के लिए दूसरी विचारधारा वालों पर शब्दों के बाण चलाते हैं। वे लोग विचारधारा को लेकर खूनी संघर्ष करते रहे वे लोग विचारधारा को लेकर खूनी संघर्ष करते रहे मानवता लहूलुहान होती रही। वे लोग विचारधारा के रंग में इतने रंग गए वे लोग विचारधारा के रंग में इतने रंग गए कि अपने सिद्धांत को टोटल टंट की तरह उनकी जुबान चलती रही। इसी के आड़ में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्ध करते रहे जब विचारधारा को लेकर आपसी द्वंद होते हैं ऐसी विचारधारा क्या औचित्य है? प्रश्न है, जब विचारधारा को लेकर आपसी द्वंद होते हैं ऐसी विचारधारा का क्या औचित्य है? सचमुच इतिहास अपने आप को दोहराता है इसलिए विचारधारा के चक्रव्यूह में जो जंग होते रहे हैं इस दुनिया में शांति चाहिए प्रेम और भाईचारा चाहिए। नफरत और हिंसा से कोई स्थान नहीं हो। हमें ऐसी विचारधारा चाहिए जिसमें नफरत और हिंसा का कोई स्थान नहीं हो। दुनिया में युद्ध नहीं शांति चाहिए अगली कविता है श्रमिक स्त्रियां। जो स्त्रियां श्रम करती हैं और जो हमारे मजदूर हैं उनकी क्या दिनचर्या होती है, इसको लेकर बहुत ही एक मैंने अनुभव किया है, इस सच को देखा है अपनी आंखों से, फिर मैंने इसको कविता के रूप में डाला है। बहुत ही यथार्थवादी कविता मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। श्रमिक स्त्रियां, शीर्षक है श्रमिक स्त्रियां। आपने कभी सोचा है कि श्रमिक स्त्रियों के विषय में उनकी दिनचर्या के विषय में सूरज के उगने के समय से लेकर सूरज के डूबने के समय तक ईंट और रेत ढोती दिन भर मेहनत करती पसीना बहाती ठेकेदार की फटकार सुनती संध्या होने पर जब घर पहुंचती श्रमिक स्त्रियां आराम नहीं करती पति का फटकार सुनती अपने जीवन के तमाम जटिलताओं के विपरीत परिस्थितियों के बीच श्रमिक स्त्रियां शांत रहती हैं, खुश रहती हैं, खिलखिलाकर हंसती हैं, अपने रोजमर्रा की परिस्थितियों से समझौता कर लेती हैं, श्रमिक स्त्रियां। इसी क्रम में एक और कविता में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कविता की सार्थकता, कविता की क्या उपयोगिता है, कविता कहाँ पर है, कविता कैसे होनी चाहिए, इन्हीं भावनाओं को लेकर मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अब कविता तुलसी और कबीर की परंपरा से मुक्त होकर रीतिकालीन कवियों की परंपरा में
सम्मिलित हो गई है। तब कविता तुलसी और कबीर की परंपरा से मुक्त होकर रीतिकालीन कवियों की परंपरा में सम्मिलित हो गई है। कविता इसलिए जन जन तक पहुंच नहीं पाती। कविता अब जन जन तक पहुंच नहीं पाती, लोगों को समझा नहीं पाती, लोगों को जगा नहीं पाती। अब कविता नौकलावाद कर शिल्प पहनकर जन भावनाओं से रिश्ता तोड़कर अब कविता नौ कलावाद का शिल्प पहनकर जन भावनाओं से रिश्ता तोड़कर एकांत स्थान में जाकर आत्ममुग्ध होकर अपने आप को इतराती है। अब कविता नौ कलावाद का शिल्प पहनकर जन भावनाओं से रिश्ता तोड़कर एकांत स्थान में जाकर आत्ममुग्ध होकर अपने आप में इतराती है। अब कविता संकुचित होती जा रही, अब कविता संकुचित होती जा रही, जनमत से रिश्ते तोड़कर सिमटती जा रही, विशिष्ट लोगों के बीच में थोड़ी बहुत शेष बची है कविता, विशिष्ट लोगों के बीच में थोड़ी बहुत शेष बची है कविता। अब कविता के विलुप्त होने जाने के खतरे तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, एक सच्चाई है। अब कविता के विलुप्त हो जाने के खतरे तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हे समकालीन साहित्यकारों और कवियों, मेरे सुझाव को मान लीजिए, इसे विलुप्त होने से बचा लीजिए, इसे जन जन तक पहुंचाइए, इसी से बच सकती है कविता और इसकी प्रासंगिकता। अंत में मेरी अंतिम कविता है, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना के इस वैश्विक महामारी से जूझ रही है। दिनों दिन जो ये परिस्थितियां बन रही हैं बहुत ही डरावनी है, विवश परिस्थितियां हैं, हर कोई हम भयभीत हैं। इन्हीं भावनाओं को लेकर कोरोना वायरस के इस वैश्विक महामारी को लेकर एक बहुत ही भावपूर्ण कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वैश्विक महामारी के प्रलयकारी प्रकोप से, मौत के तांडव से घरा सन्नाटा है। वैश्विक महामारी के प्रलयकारी प्रकोप से, मौत के तांडव से गहरा सन्नाटा है दुनिया भर में। दुनिया भर के मौत के आंकड़े हम सबके दिलो दिमाग को बेचैन कर देते हैं। दुनिया भर के मौत के आंकड़े हम सबके दिलो दिमाग को बेचैन कर देते हैं। हम सभी के अंतःकरण में अब छोटी होती जा रही है जीवन की रेखाएं, अब छोटी होती जा रही है जीवन की रेखाएं। जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी अनंत वेदना को कौन समझ सकता है। उनके आंसू और चीख से कांप रही अस्पताल की दीवारें, यह पृथ्वी और अखिल ब्रह्मांड भी। जीवन और मृत्यु के महान युद्ध में मौत अपनी विजय का शंखनाद बजा रहा। शमशान घाटों पर जलती चिताएं, कब्रिस्तान में दफनाए जा रहे लाशों का सैलाब से मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, हे ईश्वर बचा लो अपनी दुनिया को, हे ईश्वर बचा लो अपनी इस दुनिया को, अपने इंसान को बचा लो। हे ईश्वर मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और इस कोरोना वायरस के महाराक्षस को जल्द से जल्द इस दुनिया से मिटा दो। धन्यवाद। अब मैंने आप लोगों के सामने आज के इस
कविता पाठ के अंतर्गत मैं कुछ कविताएं प्रस्तुत किया। मैं जन स्वीकार मंच के संचालक सूत्रधार और भाई देवेंद्र जोशी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और जो भी हमारे आप हमारे श्रोता हैं जो हमारी कविताएं सुन रहे हैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैंने बहुत कम समय में ये अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दी। आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को पसंद आएगी। धन्यवाद।